सलाद देते हैं, मेरे गोलगप्पा देते हैं। सूरत का नंबर 1 पानीपुरी वाला जय बजरंग बली, अपना भगत जी है जिनको थोड़ी नफरत भी ज्यादा मिलती है। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों आज हमें एक और गोलगप्पे वाले मिल गए हैं सूरत में। मैं यार आपको दिखाता रहता हूँ बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने सूरत का आने वाला है। अच्छा फिलहाल हमें वोल्केनो पानीपुरी वाले के पास है ना, और यहाँ पर मैंने बात करी तो 10,000 गोलगप्पे तो मेरे सबसे आराम से चले जाते हैं यहाँ पे। इतने 20,000 चले जाते हैं, 20 चले जाते हैं यहाँ पे। ओ भाई, और 5-6 घंटे का ही काम है इनके पास तो, और एक ही जना जो है वो मेन काम संभाल रहा है यहाँ पे, मतलब वही सबको खिला रहा है। ये भीड़ आप देख लीजिए एक बार, पीछे है मेरे कम से कम 30 लोग खड़े हैं गोले में और एक एक के पास डांस कर करके गोलगप्पा खिला रहे हैं। मज़ा आ जाएगा यहाँ पे मुझे लग रहा है। टेस्ट करते हैं, रिव्यू देते हैं आपको, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। और भाई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। चलिए चलते हैं इनके पास। तो 4 टोकन ले लिए हमने। अब वाइफ उनकी, अच्छा अच्छा क्या बात है, पूरी फैमिली साथ काम कर रही है। 4 दे दीजिए 4। और भैया एक बार भैया की स्पीड देखो पहले आप, ये रगड़ा और पानी डाल डाल के सबको सर्व कर जा रहा है। कम से कम ये तो 25-30 लोग खड़े हुए हैं गोला बना के, है ना सर? और होंगे, और ही होंगे, है ना? सबको एक साथ खिलाना बड़ी बात है वैसे। क्या बात है, पटाखा है, पटाटा रहता है और अंदर रगड़ा है, पटाखा का रगड़ा है, पटाटा का रगड़ा है, सही। और ये देखिए यहाँ पे आगे गोलगप्पे, इसको क्रश करेंगे अच्छे से, और ऊपर आ गया प्याज और क्या क्या है, एक सीन पे आ गया ना, प्याज है, कांदा है, वो हमारा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, हाँ, ऊपर से चटनी रहती है हरे वाली, इसी के अंदर चटनी नहीं है, वो पानी है बड़ा। अच्छा, और ये आ गई ग्रीन वाली चटनी जो है ना ऊपर से, और आ गया ऊपर से मसाला। अच्छा, और क्रश देखो भाई, तरीका देखो एक बार क्रश करने का, गजब, पूरा पूरा काउंटर हिल रहा है। ओ भाई यार, गजब पावर दिखा रहे हैं, अमेजिंग स्पीड। अच्छा ये वो रहता है जो साथ में देते हैं, सूखा चूरमा, सूखा चूरमा, मुझे लगा चूरमा कुछ मीठा मीठा देते होंगे साथ में, सूखा चूरमा ये रहता है। तो 20 रुपये में 5 तो गोलगप्पे आ गए, और क्या क्या रहता है, एक चूरमा रहता है, एक चूरमा रहता है, और ये सलाद भी, सलाद भी रहता है। ये देखो भाई सही तोड़ रहे हैं गोलगप्पे। तो एक्चुअली जो गोलगप्पे का पानी है ना इसके अंदर जाता है, मिक्स होता रहता है आलू के साथ, बटाटा के साथ। इसमें बटाटा और क्या क्या रहता है सर? सर बटाटा रहता है, ये पानी इसमें डाल डाल के आप देते रहते हैं, रगड़ा बनाते, सही। कितना टाइम हो गया काउंटर को? 9 साल। अब तो काफी एक जैसे खुल गए हैं सर आसपास में। अंदर से आलू मेल्ट होता रहता है, इसके अंदर मिक्स होता रहता है मतलब। ओ भाई यहाँ पे मैं देख रहा था जब मैं आया था ना, यहाँ पे पूरा गोलगप्पे से भरा पड़ा था और अब बिल्कुल खत्म होने के हो गए हैं। रगड़ा बनेगा उसके बाद फिर वो पानी वो रहेगा। अब एक स्पीड पे फोकस करना, सबसे बड़ी बात ये भैया तो अभी आए हैं, भैया अकेले कम से कम 30 जनों को खिला रहे थे एक साथ। अगर आप यहाँ पे गोलगप्पे खाना चाहते हैं वेटिंग रहेगी, एक गोलगप्पे के बाद आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, आधा घंटा लग जाते हैं जी। क्या बात है, आप कब से खा रहे हो यहाँ पे? कब से खा रहे हो यहाँ पे? आज पहली बार आए सुन के। पहली बार सुन के? हाँ। अच्छा, तो अभी कैसा लगा टेस्ट? अभी तो चालू हुआ है, पहला ही है अभी का। अच्छा अच्छा, पहला टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा सलाद के ऊपर गोलगप्पा देते हैं? पहले सलाद देते हैं, मेरे गोलगप्पा देते हैं। इस सलाद के ऊपर गोलगप्पे का क्या मतलब रहता है भैया? सलाद डाल के खाना और कोई पैसा। ओके, आलू के साथ प्याज खाना है, चना खाना है। हाँ हाँ, ये भी सही चीज़ है, कोई प्याज के साथ खाना है तो डाल के खा सकता है, कोई प्याज नहीं खाता है तो नहीं खा सकता। चले मेरे अम्मी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो 3 तो हमारे पास ये आ गई है, सबसे पहले सलाद जो देते हैं, इसके अंदर बंद गोभी प्याज व्याज मिक्स है। ये मुझे बढ़िया सही लगा यार, गोलगप्पे में खुद डालो और खुद खाओ। ये लो भाई जी, ये लो, पहाड़ तोड़ रहे हैं ना आलू का, अंदर मिक्स करते हो, नीचे इन्होंने गैस लगा रखी है तो गर्म गर्म रगड़ा बनता रहता है।
पानी मिक्स करते हुए। सूरत का नंबर वन पानी पूरी वाला, जय बजरंग बली, वॉल्केनो पानी पूरी, नकलची लोगों से साधन। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे काउंटर खुल गए हैं सेम, तो उनसे थोड़ा आप देख लीजिएगा। भैया ने स्पीड पकड़ ली अपनी, कल एक बार नॉर्मल खा के देखते हैं बिना किसी प्यास वगैरह के। ओहो भाई, आलू भर भर के अंदर खट्टे आलू का स्वाद आ रहा है। एक्चुअली चटनी से मिक्स हो चुका है ना पूरा, जो पानी से मिक्स हो गया बिल्कुल खट्टा आलू। आह स्पाइसी पानी, गरम गरम गोलगप्पे आपको यहाँ मिलेंगे। हाँ पर पूरी चक्री घूमते हुए आएगी, अब ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप डाल दो थोड़ा प्याज और इसमें, भाई जो भीड़ है ना बिल्कुल डिजर्व करते हैं एक्चुअली। बहुत मज़ेदार वो लोग पे, और गुजरात महाराष्ट्र में आपको यही मज़ा आएगा, रगड़ा वाले गोलों पे मिलेंगे तो गरम गरम रहेंगे। तो अपना चूरा भी आ चुका है, मीठी चटनी चाहिए तो इसमें। अच्छा कितने बार ऐसे ट्राई करते हैं, चूरा भी आ चुका है, हाथ से ही खाना है यहाँ पे है ना, कोई चम्मच वगैरह नहीं है यहाँ पे। और ज़रा इसको टेस्ट करते हैं, वही सब सारा मिक्स करके दे दिया इन्होंने, सही लग रहा है। मिर्ची वगैरह नहीं है इसमें, तो अगर आपको गोलगप्पे के बाद मिर्ची लगी है ना तो ये ठीक चीज़ है। पापड़ी वगैरह है, चटनी भी ऐड कर रहे लोग है ना। पर भाई एक प्लेट गोलगप्पे खाने के बाद और ये चूरा लेने के बाद पेट भरने को हो गया बिल्कुल। अब और बढ़िया लग रहा है। क्या टाइमिंग रहती है इनकी? साढ़े चार बजे के आसपास। साढ़े चार, चार साढ़े चार कब तक रहते हैं? दस बजे तक। हाँ दस तक रहते हैं, साढ़े चार से दस तक रहते हैं। छुट्टी तो नहीं लेते शायद है ना, सेवन डेज ओपन रहते हैं। और भाई इनकी जो सेल है ना, मुझे नहीं ध्यान मैंने किस गोलगप्पे वाले की इतनी सेल देखी होगी। दो तीन गोलगप्पे वाले हैं जैसे इंडिया में ना जिनकी सेल अल्टीमेट है, एक तो अपने भगत जी है जिनको थोड़ी नफरत भी ज़्यादा मिलती है, और एक अपना वो जयपुर में हमने खाए थे सबसे स्पाइसी SPDS के गोलगप्पे, और एक हाँ डांसिंग गोलगप्पे वाला, और एक ये। और अब ये तीनों ऐसे हैं कि भाई भीड़ अलग लेवल की है इनके पास, अल्टीमेट है, बहुत टेस्टी है। डेफिनेटली सूरत में आए एक बार ट्राई करें, ऐसे गोलगप्पे आपको कहीं और मिलेंगे नहीं शायद। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।